मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन द रिमेन क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 3, 100 केजी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड टू फीड सोल्जर्स इन मिलिट्री कैंप इन वन डे। 100 किलोग्राम राइस की ज़रूरत एक मिलिट्री कैंप में एक दिन के लिए होती है। हाउ मेनी डेज विल 3200 किलोग्राम ऑफ राइस लास्ट इन अ कैंप। तो 3200 किलोग्राम राइस कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा या कितने दिन तक चलेगा। राइस रिक्वायर्ड फॉर कैंप इन वन डे इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। राइस की ज़रूरत है एक दिन के लिए कैंप में 100 किलोग्राम, एंड सो 3200 किलोग्राम ऑफ राइस लास्ट इन नंबर ऑफ डेज, इसलिए 3200 किलोग्राम राइस जो है वो फिनिश होगा नंबर ऑफ डेज में। इट इज़ अ डिवाइडेड बाय 100, 3200 डिवाइडेड बाय 100, 100 थ्री जा 300 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 320, द रिमाइंडर इज़ अ 20। नाउ वी टेक द नेक्स्ट डिजिट 0, then the number is a 200, 100 to the 200, then answer is equal to 32, quotient is a, finally quotient is a 32, so the answer is equal to 32 days। कहने का मतलब 3200 किलोग्राम राइस जो है वो 32 डेज के लिए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 68 पीपल आर नीडेड टू मेक अ नेक, सॉरी 68 पल्स आर नीडेड टू मेक अ necklaces. If there are 14,620 pearls, then how many necklaces can be made? एक necklaces को बनाने में 68 pearls की ज़रूरत है। तो 14,620 pearls में कितने necklaces बनाए जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन, नंबर ऑफ pearls नीडेड टू मेक वन necklaces इज इक्वल टू 68। सो 14,620 पल्स है नंबर ऑफ नेकलेसेस कैन बी मेड इज इक्वल टू 14,620 डिवाइडेड बाई 68, 68 टू जा 136, इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 146, नाउ 10, नेक्स्ट डिजिट इज अ 2, सो द नंबर इज अ 102, 68 वन जा 68, we subtract 68 from 102, then 34, next digit is 0, so 340, 68 5 ja 340, answer is equal to 215 necklaces। कहने का मतलब 14,620 पल्स में 215 necklaces को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एवरेज। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एवरेज के बारे में जानना जरूरी है। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। कोई ग्रुप ऑफ वैल्यू हो या कोई ढेर सारा ऑब्जर्वेशन हो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का, और उसमें एवरेज जो है वो एक सिंगल वैल्यू है जो ये बताता है कि इतने एक रेशियो के अनुपात से उस ऑब्जर्वेशन में वर्क हुआ। तो किसी भी डेटा का अगर हमको एवरेज फाइंड करना है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का हमको एवरेज फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी डेटा या ऑब्जर्वेशन हमको दिए हो उनको प्लस कर लें और डिवाइड कर दें हम किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे आपका दिया भी है एवरेज क्या है, एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो एक पूरे ग्रुप के लिए एक रेशियो बताता है कि इस रेशियो में वर्क हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम ऑफ द रन स्कोर्ड बाई ए क्रिकेटर इन 11 मैचेज आर एज फॉलो। एक क्रिकेटर ने 11 मैचेज में कितने रन बनाए हैं, इतने 111, 98, 42, 79, 101, 89, 97, 82, ऐसे। फाइंड हिज एवरेज स्कोर, उसका एवरेज स्कोर फाइंड करना है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन को पहले ऐड कर लिया गया, जितने भी डेटा दिए गए हैं 11 डेज में वो उसने कितने रन बनाए हैं उन सबको ऐड कर लिया, तो आया कितना 913। अब इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू
टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो उसने टोटल रन्स कितने बनाए 913, और टोटल मैच उसने कितना प्ले किया वो 11 है, तो 913 को 11 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आया 83, ये आंसर है। तो इस तरह से हम एवरेज फाइंड करते हैं। कल हम आपकी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। आज आपका होमवर्क है, होमवर्क इस पेज पे है, आपको कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट फेयर कॉपी। थैंक यू।